हम सब जानते हैं कि 7 मार्च एक खास दिन वादी कश्मीर के लिए है। इसके अलावा आने वाले दिनों में पूरे देश में आम चुनाव भी होने जा रहा है। इन्हीं दो इश्यूज को लेके हमारे बीच में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट आदरणीय रविंदर रैना जी हैं। इनके अतिरिक्त कश्मीर के सभी सीनियर लीडर्स हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अध्यक्ष जी से कि प्रेस के बंधुओं को संबोधित करें। सभी मीडिया के मेरे दोस्तों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं वेलकम करता हूं, आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। दोस्तों, वादी कश्मीर की आवाम के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब 7 मार्च को वादी कश्मीर में आ रहे हैं। 7 मार्च को जब वज़ीरे आज़म हिंद नरेंद्र मोदी साहब कश्मीर में आएंगे तो उनके कश्मीर के दौरे के दौरान श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के अंदर एक बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज की गई है। लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की श्रीनगर कश्मीर में होने वाली इस रैली में शामिल होने वाले हैं। पूरे वादी कश्मीर के अंदर इस वक्त जश्न का माहौल है, खुशी की लहर है कि हमारे हर दिल अजीज काबले एहतराम जनाब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कश्मीर में आ रहे हैं। साथियों, हम जानते हैं कि 2003 में जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब कश्मीर के अंदर आए थे और एक जनसैलाब उमड़ के वाजपेयी साहब की उस रैली में यहां बख्शी स्टेडियम में आया था, और उसके बाद 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब की एक जबरदस्त रैली इसी बख्शी स्टेडियम के अंदर शेर कश्मीर स्टेडियम के अंदर हुई थी, और उसके अलावा भी वक्तन बवक्तन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वादी कश्मीर में आते रहते। हम सबको याद है 2014 का वो मुश्किल तरीन वक्त जब पूरा कश्मीर सैलाब में डूब चुका था और एक उम्मीद की किरण तब जागी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब श्रीनगर के अंदर उतरे थे, और उस रोज जब दिवाली का दिन था तो उन्होंने अपने घर या अपने नई दिल्ली में अपने साथियों के साथ दिवाली उस रोज ना मनाकर वो लाल चौक श्रीनगर के अंदर आए थे। और हमें याद है 80,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा डेवलपमेंट का पैकेज वादी कश्मीर के लिए 2014 में मोदी साहब ने दिया था, और उसी बड़े पैकेज का नतीजा है कि वो मुश्किल के दौर से कश्मीर वापस बाहर निकला, और आज पूरे कश्मीर के अंदर जो जबरदस्त डेवलपमेंट हो रही, जो कश्मीर के अंदर अमन खुशहाली और भाईचारा मजबूत हुआ है, जो आज वादी कश्मीर के अंदर बारामूला से लेके कन्याकुमारी तक
रेल के जरिए एक बड़ा रेल मार्ग जोड़ा जा रहा है। ये मोदी साहब की देन है। पूरे मुल्क में एक एम्स हॉस्पिटल होता था दिल्ली में, अब कश्मीर के अवंतीपुरा में भी एम्स हॉस्पिटल बड़ी तेजी से बनकर तैयार हो रहा है, जिसके लिए हजारों करोड़ रुपया मोदी हुकूमत ने मंजूर किया। अनंतनाग के अंदर मेडिकल कॉलेज हो, हंदवाड़ा के अंदर मेडिकल कॉलेज हो, श्रीनगर की रिंग रोड हो, हाईवेज एक्सप्रेस हाईवेज हो, गांव गांव के अंदर सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, इसके लिए दिल खोलकर मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लिए पैसा मंजूर किया। और हम जानते हैं वादी कश्मीर को लद्दाख के साथ जोड़ने वाला जो जोजिला टनल है, आज बड़ी तेजी से वो बनकर तैयार होने जा रहा है। आज हमने देखा कि बारामुल्ला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा का एरिया हो, गांदरबल, बड़गाम, श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान का एरिया हो, पूरे वादी कश्मीर के अंदर जो जबरदस्त डेवलपमेंट हो रही है, ये सब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब की देन है। आज वादी कश्मीर एक खुशहाली के खुशनुमा दौर से गुजर रहा है। यहाँ अमन, भाईचारा, प्यार और मोहब्बत से सारी आवाम इज्जत के साथ, अमन के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही है। ये अमन, ये खुशहाली, ये भाईचारा, ये प्यार मोहब्बत, ये जो आज वादी कश्मीर की फिजाओं में हम महसूस कर सकते हैं, ये सब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की देन है। साथियों, आज जब वादी कश्मीर की आवाम को ये खबर पता चली कि 7 मार्च वीरवार के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब कश्मीर के तारीखी शहर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के अंदर सुबह 10 बजे एक बड़ी रैली को, वादिये कश्मीर की आवाम को खिताब करने जा रहे हैं, तो पूरे कश्मीर के अंदर, कश्मीर के कोने कोने में जबरदस्त खुशी का जोश और जश्न का माहौल है। और जो माहौल कश्मीर के अलग अलग एरियाज में मैं देख रहा हूं, मुझे यकीन है कि 2 लाख से ऊपर आवाम प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब को सुनने, उनके दीदार करने 7 मार्च सुबह 10 बजे श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में यहां पहुंचेंगे। हमारे कश्मीरी भाई हों, कश्मीर के अंदर रहने वाले गुजर बकरवाल कबीले के लोग हों, कश्मीर के अंदर रहने वाले पहाड़ी कबीले के लोग हों, वादी कश्मीर के अंदर रहने वाले जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हों, जिसमें हांजी, तेली, चौपान, मरकबान, कुम्हार, लोहार, हज्जाम जैसे 40 सब कास्ट हैं, जिनको यहां कभी उनके हकूक नहीं दिए गए ओबीसी के, आज उनको हक मिले हैं, तो आप देखेंगे कि कश्मीर के इस श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 7 मार्च को एक जन सैलाब, एक जन समंदर दुनिया उस दिन यहां बख्शी स्टेडियम के अंदर और श्रीनगर शहर के अंदर देखेगी, क्योंकि मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है। मोदी साहब ने वादी कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट के नए चैप्टर्स लिखे हैं। मोदी साहब ने
अमन और खुशहाली के लिए काम किया है और उसी का नतीजा है कि आज एक एक साल में 2 करोड़ से ऊपर यहां टूरिस्ट वादी कश्मीर आ रहे हैं। ये उसी का नतीजा है कि बड़े फिल्म स्टार शाहरुख खान साहब यहां कश्मीर के अंदर पुलवामा में आके अपनी फिल्म्स की शूटिंग करते हैं। ये इसी मोदी साहब की हुकूमत के जो फैसले हैं और उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज हमारे इंडिया की क्रिकेट टीम के सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर साहब भी वादी कश्मीर में खुलेआम घूमते हैं। ये मोदी साहब की मेहनत का नतीजा है कि वादी कश्मीर के अंदर G20 का यहाँ सम्मेलन होता है और दुनिया के 20 बड़े बड़े मुल्कों के जो बादशाह हैं, जो उनके प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट हैं और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आज वादी कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। और हमें इस बात की खुशी है, इस नए कश्मीर में हमारे कश्मीरी नौजवान पूरी दुनिया में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं, अपना और कश्मीर का और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। ये सब हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब की मेहनत और जो दिल खोलकर हिंदुस्तान का खजाना वादी कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए मोदी साहब ने खोला है, ये उसी का नतीजा है कि आज वादी कश्मीर के हर घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। आज कश्मीर का हर एक शख्स, हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक माँ और बहन आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आज पूरे कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर भारतीय जनता पार्टी सामने आई है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहां कश्मीर के अंदर अमन और खुशहाली के लिए काम किया, वहीं जबरदस्त डेवलपमेंट वादी कश्मीर के शहर और गांव में की है और हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल, हमारे नौजवानों का ब्राइट फ्यूचर इस मोदी हुकूमत के हाथों में मजबूत है। जिस तरीके से आज हर सेक्टर में काम हो रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि जब दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक कभी न्यूयॉर्क में मिलते हैं, कभी जिनेवा में, कभी दाओस में, कभी जापान और जर्मनी में, वो दिन दूर नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की रहनुमाई में वादी कश्मीर के अंदर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा कि दुनिया के बड़े बड़े जो समिट हैं वो वादी कश्मीर में होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि वादी कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का दौरा होगा वो एक तारीखी दौरा होगा। गोल्डन वर्ड्स में मोदी साहब का 7 मार्च को वादी कश्मीर का दौरा होगा, ये तारीख में लिखा जाएगा। इतना बड़ा जन सैलाब और जन समुंदर यहां पहुंच रहा है। मैं वादी कश्मीर की आवाम से गुजारिश करता हूं कि 7 मार्च वीरवार के दिन सुबह 10 बजे श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में यहां पहुंचे और अपने हर दिल अजीज वजीर आजम हिंद जनाब नरेंद्र मोदी साहब के दीदार करें, मोदी साहब को सुने और मोदी साहब का इस्तकबाल करें, मोदी साहब का वेलकम करें जो उन्होंने दिल खोलकर हिंदुस्तान के खजाने को वादी कश्मीर के लिए खोला है। गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, गांव के हो या शहर के हो, हर एक शख्स की बेहतरी का काम हमारी हुकूमत ने किया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने किया। सर बताया जा